हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम मनी एंड बैंकिंग जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 8, उसके सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब तक हम लोगों ने पहले चैप्टर को ख़त्म कर लिया है इस यूनिट के अंदर, जहां पे हमने डिस्कस किया मनी। मनी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बहुत सारी बातें करी हैं हमारे चैप्टर 1 में, मनी के मीनिंग से लेकर के उसके फंक्शंस, मनी के जितने भी तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, मनी के टाइप्स, बहुत सारी बातें हम लोगों ने उस चैप्टर में कंप्लीट कर ली हैं। इस पार्ट में, इस चैप्टर में हम लोग बैंकिंग शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे आज के क्लास को, जहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें बैंकिंग डिस्कस करेंगे। और बैंकिंग के अंदर मेनली हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक, एंड दी सेंट्रल बैंक। मेन जो फोकस रहेगा हमारा वो कमर्शियल बैंक्स पर होगा, और कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ हम सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द कंट्री विच इज़ द RBI, उसको भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले हम वो देख लें कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हम रखेंगे इस चैप्टर में, सो दैट वन बाय वन करके हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे, समझना, जिससे कि आसान होता जाएगा, ये पता लगता जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कमर्शियल बैंक। सबसे पहले बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में, यानी कि कमर्शियल बैंक से हम क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है या डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या हो सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन और मेजर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। और जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो इसी में हम दो फंक्शंस डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक्स के, एक होगा प्राइमरी फंक्शन और अगला होगा सेकेंडरी फंक्शन। तो कमर्शियल बैंक के जितने भी फंक्शंस हैं उनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, और वन बाय वन करके इन दोनों फंक्शंस को डिस्कस कर लेंगे कि प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या हो गए और सेकेंडरी फंक्शंस में कमर्शियल बैंक्स के किन किन फंक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला जो मेन टॉपिक रहेगा वो होगा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, जिसको हम मनी क्रिएशन भी कहते हैं, मनी क्रिएशन, और इसी को आप क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हैं। तो क्या है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, ये हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। चूँकि हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स पढ़ चुके होंगे, तो कमर्शियल बैंक्स का एक मेजर फंक्शन होता है मनी क्रिएट करना या क्रेडिट क्रिएट करना। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स कैसे करते हैं क्रेडिट क्रिएशन, इसको हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे इस चैप्टर के सेकंड मेन पार्ट पर, जो कि होगा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, RBI के बारे में जानेंगे या सेंट्रल बैंक को कैसे डिफाइन करते हैं। सेंट्रल बैंक को के मीनिंग को समझने के बाद बात करेंगे फंक्शंस ऑफ
सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, और जहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे फंक्शंस डिस्कस करने हैं सेंट्रल बैंकिंग के, वन बाय वन करके हम उन सारे फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे कि बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो कैसे इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, क्यों करता है, क्या है ये फंक्शंस, जिसमें से हम पहला देखेंगे करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी जिसमें बैंक्स को, जो बैंक ऑफ इश्यूज़ होते हैं, वो पावर या वो फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का, बैंक ऑफ इश्यूज़ क्या है ये फंक्शन, इसको हम करेंसी अथॉरिटी के अंदर डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद हम बात करेंगे इसके मेजर अनदर फंक्शन के बारे में, विच इज़ बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंकिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की बैंक कहलाती है, तो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, ये क्यों हम कहते हैं बैंकर ऑफ या बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, गवर्नमेंट के लिए ये बैंकिंग कैसे वर्क करती है, ये सब हम इसके सेकेंड फंक्शन में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अनदर फंक्शन के बारे में, विच इज़ बैंकर्स ऑफ बैंक, और इसी को कह सकते हैं आप सुपरवाइज़र। तो क्या है ये फंक्शन, बैंकर्स ऑफ बैंक का क्या मतलब है, सुपरवाइज़र हम क्यों कह रहे हैं इसको, ये हम लोग इसके थर्ड फंक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। देन आफ्टर हम लोग इसके नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, और अगला फंक्शन हो जाएगा कमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक का, विच इज़ कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी होता है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है मनी के चैप्टर में, राइट, तो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है सेंट्रल बैंक। क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं उसको भी कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। तो कैसे कंट्रोल करता है, किस तरह से ये अपने टूल्स का इस्तेमाल करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो सब भी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में आ जाते हैं, और इसीलिए इसको भी हम इसके एक मेजर फंक्शन के तौर पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अनदर मेजर फंक्शन के बारे में, विच इज़ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है किसी भी कंट्री का, उसका कस्टोडियन जो है, उसकी जो कस्टडी होती है वो देश के सेंट्रल बैंकिंग के पास होती है। इंडिया में सेंट्रल बैंकिंग RBI है, तो RBI इंडियन इकोनॉमी के जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी कस्टडी संभालता है, मतलब उसको अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये कैसे वो इन फंक्शंस को पूरा करते हैं, क्या किस तरह से वो ये काम कर रहे होते हैं, इसको हम सेंट्रल बैंकिंग के मेजर फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ सेंट्रल बैंक्स के जो फंक्शंस हमको देखने होंगे मेन, वो इतने होंगे, और ये कवर कर लेने के बाद हमारा ये टॉपिक होगा जो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वो फिनिश हो जाएगा। देन हम पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जहां पे सेंट्रल बैंक वर्सेस हम देखेंगे कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, वो होगा हमारा लास्ट टॉपिक। दोनों ही बैंक्स को कंपेयर करने के बाद हम लोग हमारे इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। तो देखो, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा
चैप्टर नहीं है आपका ये, ले दे करके 6 टॉपिक है, ठीक है। वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स को फिनिश करते जाएंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा बैंकिंग का ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। शुरुआत जो हम करेंगे वो हम अपने पहले टॉपिक से करेंगे जो है कमर्शियल बैंक्स। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का कमर्शियल बैंक, और बात करते हैं कमर्शियल बैंक होता क्या है। तो देखो, बैंक जो होता है, दोनों वर्ड का अपना अपना अलग अलग मतलब है, ठीक है। कमर्शियल बैंक जो होता है ना, वो एक प्राइमरी यूनिट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, ठीक है। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका बिल्कुल प्राइमरी यूनिट जो है वही कमर्शियल बैंक कहलाता है। जैसे अदर बिजनेसेस होते हैं, कमर्शियल बैंक जो होता है उसका भी एक ही मात्र एम होता है, दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जैसे बिजनेस मैन जो होते हैं या बिजनेसेस का एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक उसी तरह से कमर्शियल बैंक जो होते हैं उसका भी एकमात्र उद्देश्य होता है, दैट इज़ अर्निंग प्रॉफिट। तो इट इज़ द मेजर एंड द बेसिक प्राइमरी यूनिट ऑफ ऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ये एम करता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का, और उसके बदले में ये वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, वेरियस सर्विसेज देता है। जैसे कि बैंक्स में हम किस तरह की सेवाएं ले सकते हैं, तो बैंक्स में हम बहुत सारे सर्विसेज लेते हैं, जैसे हम अपने पैसे को सेव करके रख सकते हैं बैंक्स में, हम और क्या कर सकते हैं, अगर पैसों की ज़रूरत है तो हम बैंक से पैसा जो है वो उधार ले सकते हैं। उसके अलावा बैंक में और भी कई तरह के सुविधाओं को हम उठा सकते हैं, लाभ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, सच एज आपके पास कोई कीमती ज्वेलरी है, या आपके पास कोई कीमती आपका एसेट है, कोई पेपर्स है, कोई ज़मीन के कागजात हैं, आप उसको बैंक्स में जमा करवा सकते हैं, रख सकते हैं। तो बैंक्स जो है नाउ डेज आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और उन सब के पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य होता है, दैट इज़ टू अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, जस्ट लाइक द अदर बिजनेसेस। जैसे अदर बिजनेस जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, बैंक का भी बिल्कुल वही काम होता है। अब बात करें कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, विच परफॉर्म्स क्या करते हैं ये, तो विच परफॉर्म्स द फंक्शंस, विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हम जो पैसा जमा करते हैं बैंक्स जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। ग्रांटिंग लोन्स, अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो बैंक्स जो हैं वो हमको लोन भी ग्रांट कर देते हैं। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स जो हैं वो कई तरह से इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, विथ द एम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट।
और ये सारे काम वो क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और उसी उद्देश्य से वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसी को हम कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। देखो कमर्शियल बैंक्स आपका इट इज़ एन, इसको ऐसे लिखो कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं इट इज़ एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स। तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि एक मनी संबंधित संस्था है, ठीक है, पैसों का व्यापार करने वाली एक ऐसी संस्थान होती है जो कि कई तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जिसके बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं, जो कहा कि वेरियस फंक्शंस, वेरियस सर्विसेज देती है अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। तो बैंक्स कैसे फंक्शंस करती है इन सर्विसेज को देने में, तो बैंक्स के मेजर फंक्शंस में आता है सबसे पहला तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक्स जो होते हैं वो जनरली लोगों के द्वारा पैसा जो जमा किया जाता है उसको रखते हैं अपने पास, साथ ही साथ वो लोन ग्रांट करते हैं। अगर किसी को लोन वगैरह की ज़रूरत है, उधार की ज़रूरत है, तो बैंक्स उनको लोन देते हैं। साथ ही साथ मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, बैंक कई तरह से इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में, नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लाइक अगर आपको कार खरीदनी है आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं, आप बैंक से लोन लेके कार परचेज कर सकते हैं, आपको घर लेना है आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं। ये बैंक्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो वो अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे होते हैं, जिसके पीछे विद द एम, जिसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है एंड दैट इज टू अर्निंग प्रॉफिट। बैंक्स चाहते हैं अधिक से अधिक लाभ कमाना, और लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर इन्वेस्टमेंट्स करती है कई तरह के एक्टिविटीज़ में, वो अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, लोन दे रही है, तो इसको हम कहेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को ही हम बैंक कहते हैं, कमर्शियल बैंक्स कहते हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, तो अगर हम कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम SBI के नाम से भी जानते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसको शॉर्ट में हम PNB के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, तो उसके अलावा आपका हो जाएगा और भी बहुत सारे बैंक है, लाइक अलाहाबाद बैंक है आपका, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है आपका। तो इस तरह के जो इतने भी बैंक्स हैं दे आर बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ, जिसको शॉर्ट में BOI कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल में आते हैं, बिकॉज ये जितने भी बैंक्स हैं ये इसी तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ये सारे बैंक्स आपके इंडियन इकोनॉमी के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इंडिया में कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दीज आर सच बैंक्स। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में, उनके इम्पॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हैं, जिसको मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट में समझाती हूँ पॉइंट वाइज कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं कमर्शियल बैंक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन्स हैं। क्यों हम इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि जैसे इट कैन बी वेरी वेल अज्यूम्ड दैट द हाउस होल्ड सेक्टर सेव्स अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम विच इज़ मेड अवेलेबल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। देखो क्या होता है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जितने भी हाउस होल्ड सेक्टर हैं, जितना भी घरेलू क्षेत्र आता है, तो वो अपने पैसों को सेव करके रखते हैं, अपने इनकम का एक मेजर पोर्शन जो है वो सेव करते हैं। कहाँ पे? बैंक्स में सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं? तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप ध्यान दो, जितने ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स होंगे डिपॉजिट्स उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा
इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा नेशन का डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा होता है। सो इस सेंस में कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दे आर टर्म्ड एज बैकबोन ऑफ एन इकोनमी। किसी भी बैंक के दे आर बैकबोन बिकॉज दे प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनमी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह वर्क करते हैं, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेविंग्स को कलेक्ट करना फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोडक्टिव सर्विसेज में उस पैसे को लगा देना। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स जो हो गए वो इंटरमीडियरीज हो गए। पैसा है मेरे पास और किसी सेक्टर में पैसा लगाने से बेनिफिट होगा, बट वहाँ तक अगर हम पहुँच नहीं पा रहे हैं तो ये काम बैंक करता है। बैंक हमारे पैसों को एज सेविंग डिपॉजिट्स ले लेता है और उन्हीं पैसों को वो फर्दर प्रोडक्टिव सर्विसेज में लगाता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही ज़्यादा देश का फ़ायदा होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस उतने ही बेहतर होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये भी एक फंक्शन हो गया आपके बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का। उसके अलावा इम्पोर्टेंस और भी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कमर्शियल बैंक्स में, जो कि कमर्शियल बैंक्स एज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं लोगों से। तो देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कमर्शियल बैंक्स के पास आप डिपॉजिट करते हो, पैसा सेव करते हो, तो क्यों हम कर रहे हैं पैसा सेव, उसके बदले में हमें क्या फ़ायदा, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। और कमर्शियल बैंक्स हमको लोन देता है, तो लोन देता है तो इसमें कमर्शियल बैंक्स का क्या फ़ायदा, इसके बदले में भी वो इंटरेस्ट हमसे वसूलता है। अब ऐसा है कि जो लोन पर का इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इंटरेस्ट इन द सेविंग डिपॉजिट्स विच इज़ डन बाय द हाउसहोल्ड। तो लोग जो, जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो उसके बदले में जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो, और जो बैंक ने मुझे लोन दिया उसके बदले में वो जो मुझसे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लेगा, इन दोनों में अंतर ये है कि लोन का रेट ऑफ़ इंटरेस्ट हमेशा हाई होगा कंपेयर टू द डिपॉजिट्स। ये भी एक तरह से इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं, मतलब ये एक तरह का क्या इंडिकेशन है, तो ये इंडिकेट करता है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के बारे में। बैंक्स ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो सेव कर सकें, और लोन के तौर पर पैसा अगर लें तो लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, सो दैट कि वो इंटरेस्ट को पे कर पाएँ। और जितना बेहतर आप पैसों को इन्वेस्ट करोगे, पैसों को आप यूज़ करोगे, उतना ही बेहतर प्रोडक्टिव वर्क इकोनॉमी में होगा और इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होगा। तो ये जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन द टू रेट्स, जो कि डिपॉजिट्स के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ और लोन के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, इस डिफरेंस को स्प्रेड कहा जाता है। और यही स्प्रेड जो होता है ये प्रॉफिट कहलाता है जो कि बैंक्स अर्न करते हैं। इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं, और स्प्रेड जितना हाई होगा उतना ही अधिक बैंक्स का प्रॉफिट होगा। और यही प्रॉफिट भी है आपके कमर्शियल बैंक्स का, क्योंकि कमर्शियल बैंक फ़ायदा कैसे कमाती है, वो लोन देती है और सेविंग्स एक्सेप्ट करती है, और इन दोनों में के रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो डिफरेंस रखती है, और डिफरेंसेस वो कुछ ऐसे रखती है जिससे कि उसका फ़ायदा हो सके, यानी कि लोन पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम और डिपॉजिट्स पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सॉरी लोन पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक और डिपॉजिट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लो रखने की वजह से ही बैंक्स अपने प्रॉफिट को कमा पाती हैं, और उसी को हम स्प्रेड बोलते हैं। देन दिस इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, कि भाई ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे फंक्शंस करती है, बदले में प्रॉफिट कमाती है। और मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स क्या है कमर्शियल बैंक्स के एंड वॉट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो एक तरह से बैकबोन इसलिए है बिकॉज ये बहुत सारे फंक्शंस कर रही होती है इकोनॉमी में जो कि इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हमारे दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे विच वॉज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। क्या है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, कितने हो सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि दो मेजर
फंक्शंस हो सकते हैं कमर्शियल बैंक के, एक है प्राइमरी, अगला है सेकेंडरी। तो क्या होंगे ये दोनों के दोनों फंक्शंस, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब कमर्शियल बैंक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।